गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसा लग रहा है आपको महाराष्ट्र में आकर? अजंता की गुफाओं को घूमते हुए एक दिन तो हमको हो ही चुका है, लेकिन कल हम केवल आधी गुफा को देख पाए थे। आज हमको पूरी गुफा देखनी है, तो फटाफट से उठ जाइए, तैयार हो जाइए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर चलिए हम अजंता की गुफाओं को आगे देखते हैं। ठीक, रेडी हैं? चलिए। तो कल हमने अजंता की गुफा देखी थी, गुफा नंबर 3, और उसमें क्या देखा था? एक बहुत ही अलग सी और अजीब सी चीज़ देखी थी ना, बहुत ही यूनिक सी थी। क्या थी? कि अजंता की जो गुफा है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि अगर उसमें कोई भी व्यक्ति धीमी सी आवाज़ में भी कुछ बोलता है तो वहाँ मौजूद सारे लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई देती है, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी माइक के। तो पहले का इस्तेमाल बौद्ध धर्म के जो लोग थे, जो भिक्षु थे, वो प्रवचन देने के लिए करते थे, और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक कॉन्सर्ट्स यानी कि संगीत कार्यक्रमों का आयोजन भी होने लगा। अब चलते हैं, जानते हैं और इस गुफा के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इस विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में बोला गया कोई भी शब्द पूरी गुफा में सुनाई देता है। तो अभी अभी मैंने बताया ना आपको कि अगर हम ये गुफा, एक तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, और अगर हम इसके किसी भी हिस्से में कोई भी शब्द बोलें और बहुत धीरे से बोलें, जैसे हम खुद से बात करते हैं, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से बोलें, तो भी ये पूरी गुफा में सुनाई देता है। बहुत हल्के स्वर में गुनगुनाने पर भी वह ध्वनि विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में खड़े रहकर सुनी जा सकती है। क्या लिखा हुआ है कि अगर आप बहुत हल्के से स्वर में बोलेंगे, बहुत धीरे बोलेंगे, गुनगुनाएंगे भी, बोलेंगे भी नहीं केवल गुनगुनाएंगे, तो भी जो आपकी ध्वनि है, तो भी जो आपकी आवाज़ है, वो इस विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में खड़े रहकर सुनी जा सकती है। सुनने वाले को लगता है जैसे वह आवाज़ सैकड़ों कदम दूर से नहीं बल्कि उसके करीब से ही आ रही है। जो आदमी सुन रहा होता है उस आवाज़ को, उसको पता ही नहीं चलता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, उसको लगता है कि आसपास से किसी ने कुछ बोला है, तो उसको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये आवाज़ सैकड़ों, मतलब जो मैंने आपको बताया था कल, सैकड़ों का मतलब कई सौ कदम दूर से नहीं बल्कि उसके पास से आ रही है, मानो गुनगुनाने वाला उसके साथ ही सटा खड़ा हो, सटा मतलब चिपक के खड़ा हो, ऐसे लगता है बिल्कुल, जबकि वो आदमी दूर खड़ा है और वहां से बिल्कुल धीरे से बोल रहा है, लेकिन फिर भी आवाज़ आती है। यही कारनामा है हमारी, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सब में ऐसा ही कुछ ना कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इस चमत्कार का रहस्य, अब ये था तो चमत्कार ही, तो इस चमत्कार का जो रहस्य है वो कहाँ छुपा है? इस गुफा की छत में निहित बताया जाता है। निहित मतलब उसमें समाया हुआ है, यानी कि जो चमत्कार है उसका कोई रहस्य होगा। कोई भी मिस्ट्री होती है तो लोग ढूंढते तो हैं कि इस मिस्ट्री के पीछे क्या राज क्या है, ये रहस्य क्या है। तो इसके पीछे जो राज है वो कहाँ छुपा हुआ है? इसकी छत में। कैसी है छत? एक विचित्र प्रकार की चट्टान इस गुफा की छत का काम करती है, मतलब इसकी जो छत है वो छत में क्या है, एक चट्टान है, और वो भी चट्टान एक अलग टाइप की चट्टान है। इस चट्टान को एक कोने से काट काट कर समतल करने का प्रयास तो किया गया है, पर कुछ दूर तक समतल करने के बाद सारी चट्टान को बिल्कुल अनगढ़ छोड़ दिया गया है। क्या मतलब है? कि इस चट्टान को एक कोने से, पूरी चट्टान को नहीं, चट्टान को एक कोने से काट काट कर, कोने से काट काट कर समतल करने का प्रयास किया गया है कि चट्टान जो है वो बिल्कुल प्लेन हो जाए, समतल हो जाए, लेकिन क्या हुआ है, कुछ दूर तक समतल करने के बाद पूरी चट्टान को बिल्कुल अनगढ़ छोड़ दिया गया है, मतलब उसमें कुछ छिड़खानी नहीं की गई है, ऐसे ही छोड़ दिया गया है। उसके बड़े बड़े बेडौल बल्कि डर पैदा करने वाले कूबड़, अब चट्टानों में देखा है आपने, कूबड़ से निकले होते हैं। अगर चट्टान को समतल नहीं किया गया है तो चट्टान कहीं से क्या होती है, नुकीली, कहीं से पैनी, कहीं से कुछ चीज़ लटक रहा होता है, कहीं से कुछ लटक रहा होता है, तो उसको, उसके बड़े बड़े कूबड़ हजारों सालों से नीचे लटके हुए हैं। ऊपर सोचो आप, छत है, ऊपर देखो आप, उठाकर अपना सिर, ऊपर छत है चट्टान की, और वो नीचे से ऐसे कूबड़ के शेप में नीचे लटक रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी गिर जाएंगे। तो उन्हें लगता है कि यह अनगढ़ विराट पथरीला विस्तार कभी भी गिरकर उन्हें चकनाचूर कर सकता है। तो जो लोग वहां घूमने जाते हैं, जो दर्शक जाते हैं,
उनको देखकर उनको डर लगता है, वो भयभीत भी हो जाते हैं। दर्शक इन्हें देखकर भयभीत भी होते हैं, उनको लगता है कि ये जो विराट पथरीला विस्तार है, विराट मतलब बहुत बड़ा, पथरीला मतलब पत्थर का, और विस्तार मतलब फैला हुआ, जो इतना बड़ा पत्थर का जो फैला हुआ ये पूरा छत है, ये कहीं गिर कर उनको चकनाचूर ना कर दे, ठीक उनकी चटनी ना बना दे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लोग डरते हैं। इसी भयावनी चीज़ में, भयावनी क्यों है, क्योंकि भयानक है, डरावनी है, तो इसी भयावनी चीज में इस गुफा का चमत्कार निहित है या समाहित है। क्या है इस गुफा में, अभी भी राज नहीं खुला है। दरअसल क्या है, यह ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है। देखो जो ज्वालामुखी होते हैं, सुना होगा आपने ज्वालामुखी के बारे में, वॉल्केनो के बारे में, धरती के अंदर जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो धरती में से ज्वालामुखी फटते हैं, और ज्वालामुखी फटते हैं तो धरती के अंदर जो गरम गरम चीज़ें हैं, जो केमिकल्स हैं, वो निकलते हैं, एकदम बहुत गरम निकलते हैं, तो उसको लावा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो चट्टान बनी है वो इसी गरम गरम लावे से बनी है, बाद में तो ये ठंडा हो जाता है, तो चट्टानें जो हैं वो उस लावे से बनी है। तो पिघली आग के फूले और टूटे हुए बुलबुले जगह जगह जम गए हैं। तो जो आग निकली होगी पिघली हुई अवस्था में, जो सारा मलबा निकला होगा, तो उसके बुलबुले बन गए होंगे, ठीक, और वो जगह जगह वहाँ चट्टान में जम गए हैं। चमत्कार उनमें है, तो जो बुलबुले जम गए हैं उनमें चमत्कार है। वे पत्थर की लहरें, वे बुलबुले अनगढ़ उठती गिरती सतह है, गुफा के किसी भी कोने से उठी हल्की सी ध्वनि तरंग को पहले जज्ब करती हैं, मतलब पहचानती हैं, फिर प्रक्षेपित कर देती हैं। प्रक्षेपित करने का मतलब दूसरी दिशा में ट्रांसफर कर देती हैं। क्या करती हैं, पत्थर में लहरें बनी हुई हैं, बुलबुले उठे हुए हैं, अनगढ़ उठती गिरती सतह है, कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है, तो ये क्या करती हैं, ये गुफा के किसी भी कोने से अगर आप आवाज़ कोई भी उठा रहे हैं, छोटी से छोटी जो आवाज़ है वो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, वेव्स की फॉर्म में आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले ऊपर छत पर जाती है आवाज़, और छत के ये जो बुलबुले हैं, ये जो लहरें हैं, इनसे टकराती है, और टकराने के बाद फिर क्या होता है, ये प्रक्षेपित हो जाती है, यानी कि दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। हो सकता है यह गुफा खोदते खोदते, छत को समतल करते करते, इस आदिम ज्वालामुखी के जमे हुए लावे तक पहुंचने पर शिल्पकार के सामने यह तथ्य उजागर हुआ हो कि यह जमा हुआ लावा किसी भी ध्वनि को कोने कोने तक पहुंचा देता है, गुंजा देता है। क्या कह रहे हैं, देखो कि ये हो सकता है कि गुफा तो खोदी जा रही थी, छत को समतल किया जा रहा होगा, तो छत को, जैसे बोला गया है ना कि छत को समतल किया गया था, आधी छत को समतल किया गया था, लेकिन उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो जब शिल्पकार छत को समतल कर रहा होगा, ठीक, तो इस आदिम ज्वालामुखी के जमे हुए लावे तक पहुंचने पर, तो जब वो समतल करते 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 उस ज्वालामुखी के जमे हुए लावे तक पहुंचा, तो उसके सामने ये तथ्य उजागर हुआ, मतलब ये उसको सच्चाई पता चली होगी कि जो जमा हुआ लावा है ये क्या कर रहा है, किसी भी ध्वनि को कोने कोने तक पहुंचा देता है, गुंजा देता है, क्योंकि वो वहां बोल भी रहे होंगे, तो उनको ऐसा लगा होगा कि हम तो इतने धीरे बोल रहे हैं और आवाज वहां तक कैसे चली गई, इसलिए वह इस निर्णय पर पहुंच गए हो कि इसे समतल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर इसे समतल कर दिया फिर ध्वनि जो है वो ऐसे नहीं पहुंचेगी। इसीलिए क्या हुआ है कि बाकी गुफाओं में ये बात नहीं है, बाकी गुफाओं में ऐसा नहीं है कि आप बोलो तो जगह जगह सुनाई देगा, ऐसा केवल एक ही गुफा में है। इतनी सारी गुफाएं बनाने के बाद लास्ट में जाके उनको ये पता चला होगा कि ऐसा हो रहा है। तो इस तरह अनायास ही, अनायास मतलब अचानक से ही, उसने ध्वनि प्रसारण की, ध्वनि को फैलाने की दूर दूर तक एक नई तकनीक की खोज कर ली हो, मतलब इससे पहले उनको तकनीक पता नहीं होगी, वो तकनीक को सीख कर गुफा को बनाने नहीं बैठे थे, बल्कि गुफा को बनाते बनाते उनको इस तकनीक के बारे में पता चला होगा। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, अजंता की गूंजती गुफाओं के बारे में, जो भी हमने जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी और बड़ा मज़ा आया जानकर समझकर कि हमारे देश में ऐसी ऐसी इमारतें बनी हुई हैं जिनको समझना अभी रह गया है, जिनको समझना अभी बाकी है, क्योंकि हम लोग कम जाते हैं, एक तो विदेश जाना ज़्यादा चाहते हैं, इंडिया घूमना नहीं चाहते, जबकि अपने देश में भी कितना कुछ है घूमने के लिए,
और अगर जाते भी हैं तो बस देख कर चले आते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं पता करते हैं, और जानकारी पता भी कर लेते हैं तो लोगों को बताते भी नहीं हैं। ठीक, तो बहुत सारे लोगों की पता है आदत होती है कि जब वो कहीं घूमने जाते हैं और वो कोई भी एक अजीब सी अलग सी अनोखी सी चीज़ देख कर आते हैं तो उसको लिखते हैं, उसको यात्रा वृत्तांत बोलते हैं, वो अपनी यात्रा का पूरा वर्णन करते हैं उसमें। ये भी किसी ने वर्णन किया होगा, किसी ने तो इस चैप्टर को लिखा ही होगा अगर वो घूमने गया होगा अजंता के अजंता में। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगता है कि वहाँ क्या है, तो एक्साइटमेंट बढ़ती है जाने के लिए। जैसे अब इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, तो हमारे दोनों की ही एक्साइटमेंट बढ़ रही होगी कि लाइफ में कभी भी चांस मिला, मौका मिला, तो हम एक बार तो अजंता की गुफाओं को देखने ज़रूर जाएंगे, और देखना भी चाहिए। ठीक, चलो तो आगे चलते हैं। अब इसके शब्द बोध देखते हैं, जो जो शब्द इस चैप्टर में आए थे उनके अर्थ क्या हैं। सबसे पहला शब्द है ध्वनि विस्तारक। ध्वनि मतलब आवाज़ और विस्तारक मतलब फैलाना। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र मतलब आवाज़ फैलाने वाले यंत्र। यंत्र का मतलब क्या होता है, मशीन। तो ऐसी मशीनें जो आवाज़ को दूर दूर तक फैला देती हैं, जैसे कि स्पीकर है, जैसे कि माइक्रोफोन है। आविष्कार का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ की नई खोज करने को आविष्कार बोलते हैं। आविष्कार नहीं, आविष्कार। अगला शब्द है नमूना। कोई भी चीज़ का अगर आप मॉडल दिखाते हो, नमूना दिखाते हो, उसका खाका दिखाते हो, खाका, नमूने को खाका भी बोलते हैं, तो वो है आपका नमूना, है ना। कोई भी चीज़ को अगर आपने छोटे से फॉर्म में दिखा दिया, जैसे कि अर्थ तो बहुत बड़ी है, हम उसका मॉडल तैयार कर लेते हैं, तो एक नमूना जो होता है, मतलब इस तरीके की कोई चीज़ दिखेगी, आपने दिखा दिया तो इसका नमूना है, तो उसको बोलते हैं खाका। सुडौल, सुडौल का मतलब सुंदर, सुघड़। अब सुघड़ शब्द तो नहीं अच्छा लग रहा बोलने में, सुडौल मीन्स अच्छे डील डॉल वाला, सुंदर है, बढ़िया शरीर है उसका, खूबसूरत है देखने में। उकेरना, उकेरना को बोलते हैं नक्काशी करना। चट्टान पर अगर कोई भी डिज़ाइन बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है, तो उसे उकेरना बोलते हैं, कार्विंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में नक्काशी भी बोलते हैं। प्रयोजन, कहते हैं कि आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, तो प्रयोजन मतलब मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तो प्रयोजन का मतलब मकसद या उद्देश्य। और अगला शब्द है बेडॉल। देखो इसमें लगा है सु उपसर्ग, सुडॉल सुंदर डील डॉल वाला, सुंदर शरीर वाला, और बेडॉल बेकार डील डॉल वाला, बेकार शरीर वाला, तो जो कुरूप हो, बेकार शरीर हो, भद्दा दिखता हो, बेडॉल हो, मतलब उसका शरीर की बनावट ठीक ठाक से ना हो, कहीं से मोटा, कहीं से छोटा, कहीं से काला, कहीं से भद्दा, इस तरीके का हो, तो वो बेडॉल है। ठीक है, और सुडॉल पूरा शरीर जो है वो अच्छी आकार में बना हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये शब्द शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी आदमी शरीर से सुडौल बेडौल होता है, सब कुछ जो है वो अपनी खुद की सोल से होता है, सोल से आदमी अच्छा है तो अच्छा है, ना रंग से फ़र्क पड़ता है, ना शेप से, ना साइज से फ़र्क पड़ता है, बट ये कि फ़िट रहना चाहिए इंसान को, लाइफ में फ़िट रहना चाहिए, ताकि फ़िट भी इसलिए कि बीमारी उसके बॉडी से दूर रहे, बीमारियों में वो ना जकड़ जाए। ठीक, तो आप कहोगे क्या मैम कुछ भी बात करती रहती हैं, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहाँ पहुँच जाती हैं, आदत है, क्या करूँ, केवल उसी बात पर नहीं टिक सकती जो पढ़ा रही हूँ, लगता है कि जो पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ा ही रही हूँ, और भी कुछ बता दूँ तो बता दूँ। तो ध्वनि विस्तारक क्या है, आवाज़ फैलाने वाले यंत्र, यंत्र मतलब मशीन, आविष्कार का मतलब होता है किसी चीज़ की नई खोज करना, नमूना का मतलब खाका, सुडौल का मतलब सुंदर, उकेरना का मतलब नक्काशी करना, शाह देख लीजिए कौन सा बनेगा, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, इसमें दो दा हैं, एक दा पूरा है और एक दा आधा है, आधा पहले बनेगा पूरा बाद में बनेगा, या मकसद भी बोल सकते हैं, और बेडॉल मतलब भद्दा, इसमें भी दो दा हैं, एक आधा दा है और फिर पूरा दा है या कुरूप। तो ये थे इसके शब्द बोध, इन शब्दों को आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं वर्तनी बोध पर। ये देखिए वर्तनी बोध शब्द दिए गए हैं, और इनको दो तरह से लिखा जा सकता है, इनकी दो वर्तनियां हैं, वो देख लीजिए आप, कि हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार मैं बता चुकी हूँ, अब आप सीख गए होंगे, सुनाई तो ई की जगह पर हम या और बड़ी की मात्रा लगा सकते हैं, तो सुनाई ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी, सुनाई। हल्का तो हम इसमें आधा ला भी बना सकते हैं, हल्का हल्का, और ये भी है हल्का। वृद्ध वृद्ध, इसमें क्या होता है कि द जो है वो आधा है और ध जो है वो पूरा है,
बच्चे लोग इसमें उल्टा समझ जाते हैं, समझते हैं वो ध आधा है, द पूरा है, जबकि ऐसा नहीं है, द आधा है और ध पूरा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वृद्ध। यंत्रों, यंत्रों में क्या करेंगे, जो बिंदी है उसे हटाकर ना लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि बिंदी की साउंड जो होती है वो आगे वाले अक्षर पर डिपेंड करती है। अब इसमें आगे वाला अक्षर जो है वो ये वाली बिंदी हटेगी यंत्रों में, और इसके आगे अक्षर क्या है, त्र, त, त, तो त का लास्ट अक्षर क्या होता है, त वर्ग का, त, थ, द, ध, ना, तो ना आएगा यहाँ पर, जो अंतिम अक्षर होता है वो आएगा, ठीक है। इसी तरह से देखो कालांतर, कालांतर मतलब कुछ समय बाद, कुछ सालों के अंतर के बाद, तो कालान, ये बिंदी हटानी है तो ये वाला अक्षर देखो त, इसका अंतिम अक्षर क्या होता है, त, थ, द, ध, ना, तो ना लगा दोगे। इसी तरह से यहाँ देखो कंठों, अब ये बिंदी हटानी है, अब ये नहीं है कि आंख बंद करके आप ना लगा दो, अब इसमें ना नहीं लगेगा, ये ठा कौन से वर्ग का है, ट वर्ग का, अब ट का अंतिम अक्षर क्या होता है, ट, ठ, ड, ढ, अणा, तो ये बिंदी हटेगी तो अणा बनेगा, बस यही मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। तो कंठों में ना नहीं बना दोगे आप, कंठों में ना बना दोगे तो गलत हो जाएगा, ये अणा बनेगा और वो भी आधा। इसी तरह से अजंता, अजंता में बिंदी हटाओगे तो त, थ, द, ध, ना, ना बना दोगे। आरंभिक, अब ये बिंदी हटाओगे तो क्या लगोगे, ये देखो कौन से वर्ग का है, पा, फा, बा, भा, मा, तो यहाँ बिंदी हटाओगे तो मा बनाओगे। और ध्यान रखना कि मात्रा है, पूरा अक्षर है, आधा अक्षर लगाना है तो हमेशा क्या होगा, मात्रा के अंदर ही लगेगा वो आधा अक्षर, ऐसा नहीं कर सकते कि आप मा यहाँ बना दो, वो आपका मात्रा के बाद बनेगा। अब देखो बौद्ध, अब क्या बताओगे इसमें, द आधा, ध पूरा, या ध आधा, द पूरा, सही आंसर क्या है, द आधा और ध पूरा, बौद्ध। आगे देखो अंदर, तो अंदर में बिंदी हटानी है तो ता था दा धा ना, तो ना बना दोगे आप इसमें। खम्भे, बिंदी हटानी है, प, फ, ब, भ, म, तो मा लगा दोगे। चट्टान, दोनों तरह से लिख सकते हैं, आधा टा और पूरा टा, और टा के नीचे टा भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका चट्टान। तो कौन कौन से शब्द हुए, सुनाई, हल्का, वृद्ध, यंत्रों, कालांतर, मेरे साथ पढ़ो, कंठों, अजंता, आरंभिक, बौद्ध, अंदर, खम्भे और चट्टान, ठीक है। इन शब्दों को भी आप अपनी नोटबुक पर लिख लेना। तो अब हम इसकी अभ्यास माला सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, बाय बाय।